वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर कराची आएंगे। वजीर आजम 3 मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। जिला बस्ती में 2 अरब 40 करोड़ की लागत से 6 पुल बनाए गए। मंगू पीर में 4 किलोमीटर सड़क की बहाली पर 95 करोड़ लागत आई। निस्तर रोड की 6.4 किलोमीटर बहाली पर 65 करोड़ लागत आई। मंसूबे सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जरिए निगरानी मुकम्मल हुए। कराची इमारत का मलबा हटाने का काम 3rd रोज भी जारी। अब भी मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। एक खानदान के 8 अफराद समेत 13 अफराद की तदफीन। साने में जाबाक अफराद की तदाद 18 हो गई। हरम शरीफ में नमाज फजर के वक़्त तवाफ के लिए मुताफ खोल दिया गया। सरबरा हरमेन इंतजामिया का कहना है कि बगैर एहराम वाले जायरीन दाखिल हो सकेंगे। मकामी शहरी आज से खाना काबा का तवाफ कर सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज यहया सेहतियाब। आज शाम तक कराची के अस्पताल से फारिग कर दिया जाएगा। 48 घंटों में बीमारी की अलामत जाहिर नहीं हुई। मुल्क में कोरोना वायरस के 6 कन्फर्म मरीज हैं। जफर मिर्जा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। चीचावतनी ओकाड़ा पाकपतन में हादसात, 5 अफराद हलाक। पिशावर नौशेरों में छतें गिरने से 4 बच्चे जां बहक। मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह की लाहौर में तदफीन कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। HNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं HNN न्यूज़।